शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इन बीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार सभी दर्शकों को, इन बीसीएन और सिटी न्यूज की तरफ से आपका फिर से एक बार स्वागत करता है। चर्चाओं का दौर शुरू है, महाचर्चाओं का दौर शुरू, कई विषयों पर हमने बातचीत की है, लेकिन आज का विषय थोड़ा सा फिर से संवेदनशील है जो हम सबकी लाइफ से जुड़ा हुआ है। जी हाँ, आज का जो विषय है वो है चीन का साइबर हमला कितना हमारे लिए घातक हो सकता है। और जैसा कि हम कहते हैं कि अगर हमें अपने कान पुछवाने हैं तो उसके लिए सुनहार की मदद जरूर लेनी चाहिए, तो इस विषय पर बात करने के लिए अगर एक्सपर्ट हमारे साथ में मौजूद हो तो उसके बाद ही कुछ और हो। जो जानकारी हम यहाँ पर आज इस चर्चा के माध्यम से जो यहाँ पर चर्चा करेंगे उसके लिए हमारे साथ में एक्सपर्ट मौजूद है, साइबर एक्सपर्ट मौजूद है। मैं आपको बता दूं कि इन एक्सपर्ट में हमारे साथ में आज है डॉक्टर नरेश उइके जी, आपका मैं स्वागत करता हूँ। हमारे साथ में है हेरोल्ड डिकोस्टा सर, मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हुई एथिकल साइबर हैकर हमारे साथ में है ऋषिका देसाई। ऋषिका जी, आपका भी स्वागत है। और हमारे हमारे न्यूज विश्लेषक हमारे साथ में है डॉक्टर चंदू सुजातिया जी अमरावती से, और हमारे साथ में है पूना से सीनियर जर्नलिस्ट और जर्नलिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट डॉक्टर आलोक मिश्रा जी। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, मैं सीधे आऊंगा डॉक्टर आलोक मिश्रा जी के साथ में, उनसे अनुरोध करूंगा कि आज के हमारे जितने भी एक्सपर्ट है, साइबर एक्सपर्ट है, इनका परिचय हमारे दर्शकों से जरूर करवा दें। डॉक्टर आलोक मिश्रा जी, हमारे साथ में है हेरोल्ड डिकोस्टा जी, देश की जानी मानी साइबर एक्सपर्ट, और जिन्होंने कई देश में जो भी साइबर अटैक हुए हैं उनको, कई मुद्दों को उन्होंने सॉल्व किया है, और सरकार प्रायः उनसे हर लेवल पे कोई ना कोई मदद लेती रहती है, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो पुलिस हो। तो हेरोल्ड जी एक जाना पहचाना देश का नाम है हमारे साथ में, वो हमारे साथ में जुड़े हैं। हमारे साथ में है डॉक्टर नीलेश उके जी, जो कि कंप्यूटर एक्सपर्ट है, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और प्रिंसिपल है इंजीनियरिंग कॉलेज से, डॉक्टर नीलेश उके जी। हमारे साथ में हैकर्स एरा से हैं ऋषिका देसाई, जो कि एथिकल हैकर भी हैं और यंग जनरेशन को रिप्रेजेंट करती हैं। देश का जाना माना चेहरा चंदू सुजातिया, जो कि आप लोग हर बार उनको हर मीडिया पे देखते रहते हैं, वो हमारे साथ में है। और मैं चाहता हूं कि मैं सीधा आता हूं हेरोल्ड डिकोस्टा जी के पास में कि वो इस विषय को शुरुआत करें। हेरोल्ड सर, धन्यवाद। सबसे पहले जो बात जो अब चल रही है कि चाइना का जो अटैक कितने हमारे देश को घातक हो सकता है, आई थिंक हमारी देश में जो सिक्योरिटी की अवेयरनेस भले ही कमी हो, लेकिन हमारे देश में जो तज्ञ है, जो टेक्निकल पीपल हैं, इनकी जो टैलेंट पे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ये जो हाइप हुआ है कि चाइना हमारी सिस्टम्स को हैक कर सकता है, हमारी जो इकोनॉमिक क्राइसिस को डीपन कर सकता है, तो मेरे हिसाब से ये ऐसा कुछ होगा नहीं। इतना ही है कि जो लोगों में जो जागृति होनी चाहिए, एक एडवाइजरी गाइडलाइंस इशू करने चाहिए लोगों को, ताकि वो ऐसे पर्टिकुलर जो मैसेजेस जब उनके पास आते हैं कि आप एक साइबर क्राइम के शिकार हो सकते हो, आपका मोबाइल का डेटा चोरी हो सकता है, या कोई हमारी देश की कोई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन किसी बाहर के देश स्पेशली चाइना के हाथ में जाएगी जिसका वो दुरुपयोग कर सकती है, तो एक एडवाइजरी गाइडलाइन, और हमारे लोग, हमारे भारतीय लोग एक पार्ट में तो बहुत ही होशियार है कि वो एडवाइजरी गाइडलाइंस को सिंसियरली फॉलो करते हैं। करीब 80% मैंने देखा है कि जो फॉलो करते हैं। तो चाइना का अटैक मुझे कोई नहीं लगता है कि वो एक घातक हो सकता है, ये सिर्फ एक आई वुड से दैट एक हाइप है, जो थोड़ी एडवाइजरी गाइडलाइन से इसका हम वी कैन हैव अ डिफेंस एंड वी कैन फेस दिस सिचुएशंस वेरी सिंपल, और बहुत ही आसानी से इसको हम फेस कर सकते हैं। हेरोल्ड सर, साइबर अटैक होता क्या है? साइबर अटैक होता क्या है? साइबर अटैक होता क्या है, यानी जनता ये जानना चाहती है। या एक्चुअली जब कोई टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग किया जाता है, उस दुरुपयोग से जो क्राइम होता है उसे हम कहते हैं साइबर क्राइम। जब हम बात करते हैं साइबर अटैक, तो साइबर अटैक तो बहुत प्रकार के होते हैं। इसमें एक साइबर अटैक होती है कि हमारी देश की जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जैसे कि हमारी आधार की सिस्टम हो, आधार डेटाबेस हो, इनकम टैक्स की जो वेबसाइट हो, इसको हम कहते हैं डिफेंस की वेबसाइट हो या डिफेंस का जो पोर्टल हो, इसको जब कोई व्यक्ति इसको जब अटैक करता है तो हम उसको कहते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्रिटिकल अटैक।
दूसरी बात होती है कि जो बैंक सिस्टम हमारी जो बैंक के जो फाइनेंशियल सर्विसेज जो फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे जो फाइनेंशियल सर्विसेज को जब अटैक किया जाता है तो इसे हम कहते हैं डीप लेवल अटैक, क्योंकि इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल डेटा में या फाइनेंशियल सिस्टम्स में जो अकाउंट होल्डर का डेटा होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम कहते हैं डीप लेवल इंफॉर्मेशन या डीप अटैक। और तीसरी होती है जो आम जनता, जिसको हम कहते हैं सरफेस अटैक, जहां पे आम जनता का कोई मोबाइल हो या कोई डेटा हो, वेबसाइट का डेटा हो या कोई ईमेल का डेटा हो, जब इसको अटैक किया जाता है तो हम इसे कहते हैं सरफेस लेवल अटैक। लेकिन ये तीनों को हम इसको एक साइबर अटैक के श्रेणी में रख सकते हैं, पर तीन प्रकार के होते हैं, एक जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, एक डीप लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बैंकिंग सिस्टम हो, और एक सरफेस लेवल हो जहां पे जो आम जनता एक साइबर क्राइम या साइबर अटैक का शिकार हो सकता है। ठीक है, जैसा कि आपने बताया सर अभी कि इसमें कोई अपने आके टेक्निक और अपने आके जो करने वाले लोग इस चीज को बचा लेंगे पूरी तरह, लेकिन पिछले 5 दिनों में महाराष्ट्र सरकार से भी सूचना आ रही कि करीब 40,000 साइट्स को हैक करने की कोशिश की गई, कहीं से हमला तो हो रहा है, क्यों इस हमले के वापस प्रतिकार में हम हमला नहीं कर सकते? क्या हमारे यहाँ के हैकर्स उनके हैकर्स करने के ऐसी कोई, जैसे हम युद्ध के टाइम पे सामने वाला हमें अटैक करे तो हम भी अटैक करते, ऐसी कोई इसमें पॉलिसी, या सिर्फ ये जनता को डराने के लिए किया जा रहा है कि 20 लाख साइड हैक हो जाएगी? आखिर अवेयरनेस नहीं है ना, आपने कहा अवेयरनेस होना चाहिए, उसकी गाइडलाइन जारी होनी चाहिए, ऐसा कहीं नहीं है, बाकी सोशल मीडिया से सरकार भी इसमें शामिल है कि ऐसी चाइना इस पे हमें वार कर रहा है करके? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 40,000 जो ऑड अटैक हुए है, जो हमारे जो तज्ञ कहते हैं, जो गवर्नमेंट से जो इंफॉर्मेशन आई है कि करीब 40,000 जो वेबसाइट्स हो या कोई कंपनीज का डेटा की अटेम्प्ट हुई है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है कि ये चाइना से ही हुआ है जी। तो अगर आप देखेंगे तो रोज हमारे देश में करीब 50 से 60 लाख अटैक तो होते हैं, लेकिन देश के अंदर से ही तो होता है कई बार, तो बहुत 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 सारे टाइम से। इनफैक्ट आप कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हो जहां से आप अटैक दिखा सकते हो कि ये चाइना से हुआ है, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉक्सी अटैक। तो ये कोई गोल्डन रूल नहीं है कि ये चाइना से ही हुआ है, लेकिन अभी की जो परिस्थिति और माहौल को देख के हमें लगता है कि ये सब चाइना से हो रहा है। तो अब तक इसका मतलब, हाँ, इसका मतलब ये हो गया कि करे कोई और उसे मेड इन चाइना का ठप्पा लगा दे, इस तरह की बात हो सकती है। देखिए जब तक कंफर्म नहीं है, जब तक एक बार एक कंफर्म एडवाइजरी आएगी कि हाँ ये चाइना से हुआ ही है 40,000 अटैक, हो सकता है कि उसमें 10% हो गया रहेगा चाइना से, मैं इसको नजरअंदाज नहीं करना चाहता हूं मैं, लेकिन 40,000 हुए क्या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। संशोधन का विशेष पर रिसर्च होगा, आपके पास में आना चाहेंगे, आपकी टिप्पणी भी हम जानना चाहेंगे सर, क्या कितना घातक हो सकता है? पहली बात तो ये साइबर अटैक है भी, या जैसा कि हेरोल्ड सर कह रहे थे ये सिर्फ एक हाइप है? ओके सर। हाँ जी, शायद हेरोल्ड सर जो बात कर रहे थे कि एक हाइप है, कुछ हद तक उनकी बात सही है, लेकिन अभी इतना ध्यान में रखना जरूरी है कि वो कंट्री और वो आदमी जिसके पास डाटा एंड इंफॉर्मेशन है, सबसे ज्यादा डाटा एंड इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट है, उन्होंने भी वही बोला है, तो वो रिचेस्ट कंट्री है, रिचेस्ट आदमी है, इस डाटा से वो कुछ भी कर सकता है। अभी जो इतने अटैक हुए, इट इज नॉट कंफर्म कि वो चाइना से हुए, और वो हुए कि नहीं हुए हैं वो भी अपने को पता नहीं है, उससे नुकसान कितना हुआ है वो अपने को देखना है कि इससे कितने लोगों को नुकसान हुआ है, वो मोबाइल ऐप से तरफ से हुआ है, इंटरनेट बैंकिंग के तरफ से हुआ है, या फिर कोई डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के डाटा लीक हुआ है, उससे अपने को कितना लॉस हुआ है वो देखना पड़ेगा। लेकिन अभी ऐसी कोई अपने को इंफॉर्मेशन आई नहीं है कि इस बैंक से इतने यूजर नेम और पासवर्ड लीक हुए हैं और इतने लोगों को लॉस हुआ है। ये पिछले 4-5 दिनों में हो रहा है, जब ये अपना अटैक हुआ है उसके बाद की बात हो रही है। आजकल छोटे बच्चों से लेके बड़े तक सब अभी पैंडेमिक के वजह से मोबाइल यूज कर रहे हैं, इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐप डाउनलोड कर रहे हैं, अपने को नजरअंदाज नहीं कर सकते कि ऐसे अटैक
सभी को नुकसान करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कर सकते हैं जरूर है। जैसे अपन कोविड को बाजू में रखने के लिए कुछ चीजें करते हैं, वैसे ही साइबर अटैक्स को बाजू में रखने के लिए बहुत सारी चीजें करने लायक है, जो अपन अगले 10-15 मिनट में बात करेंगे कि जो भी मेल आती है वो सही तरीके से आ रही कि नहीं है। बैंक का नाम दिख रहा है लेकिन बैंक से ही है कि नहीं है, उस पे जो लिंक आती है उस पे अपन क्यों क्लिक करें, जरूरी है क्या कि क्लिक करने के बाद वो अपने सारे लैपटॉप का डाटा, मोबाइल का डाटा ले जा सकेंगे? तो ये सारी चीजें अपना देखना जरूरी है। तो यस, ऐसे अटैक हो रहे हैं, चाइना से हो रहे हैं, कहीं से भी हो रहे हैं, तो ऐसी कोई सिस्टम नहीं है जो फुल प्रूफ 100% सिक्योर्ड है। आप कितने भी दरवाजे लगाओ, कितने भी लॉक लगा दो, लेकिन अपन 100% सिक्योर्ड सिस्टम नहीं बना पाएंगे, या फिर सिर्फ अपनी लेवल ऑफ सिक्योरिटी बढ़ा रहे हैं कि पहले अपन ये लगाएंगे वो लगाएंगे। यस, ये चीजें पे ध्यान देना जरूरी है, नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे अपन कोविड का नजरअंदाज नहीं कर पा रहे, इसका भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। जैसे ये हेल्थ पे, ह्यूमन हेल्थ पे अटैक है कोविड-19 का, इसी तरह से साइबर अटैक जो है ये हमारे पूरे सिस्टम पर, साइबर सिस्टम पर का अटैक जो है हमारी जीवनी के ऊपर में सीधा असर कर सकता है, क्योंकि हम सभी आजकल स्मार्टफोन यूज करते हैं, सारा डाटा उसी में रहता है। ऋषिका, मैं आपके पास में आना चाहूंगा, यंग जनरेशन को भी आप रिप्रेजेंट करती हैं, तो ये सारा यंग जनरेशन इस अटैक को, सरफेस अटैक की जैसे हेराल्ड सर ने क्लासिफिकेशन किया, मैं आपसे सरफेस अटैक की बात करूंगा। सरफेस अटैक मतलब हम सबसे जुड़ा हुआ है, यूथ से जुड़ा हुआ है, एक एक पर्सनल लाइफ से जुड़ा है, आप इसको कैसे देखती हैं? जी, जैसे सारे सामान्य लोग होते हैं उनसे जुड़ा हुआ ये अटैक होता है, सरफेस अटैक जिनको हेराल्ड सर बोलते हैं। तो सरफेस अटैक में सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये होता है कि वहाँ पे सोशल इंजीनियरिंग मेथड्स हम लोग अप्लाई करते हैं। अगर मैं हैकर हूँ और मेरे इंटेंशंस कुछ खास अच्छे नहीं है जनता के लिए, तो ऐसा हो सकता है कि मैं उनसे ही बात करके, उनसे किसी तरह से मेल करके, उनसे ही उनके प्राइवेट इंफॉर्मेशन निकालना चाहती हूँ। तो ये जो अटैक होता है इसके लिए जो गाइडलाइंस की बात की है हेराल्ड सर ने, तो ये गाइडलाइंस होना इतना आवश्यक इसलिए है क्योंकि हम इमीडिएटली उन पे भरोसा कर लेते हैं कि ये जेन्युइन होगा। अगर ये बैंक से हो, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हो, अगर फीस के बारे में बात करें, ऐसे ऐसे जहाँ पे फाइनेंस इंक्लूडेड है उस बारे में अगर हम बात करें, तो हम लोग इमीडिएटली उस पर मेल पे भरोसा कर देते हैं और हमारी सारी इन्फॉर्मेशन भेज देते हैं। तो यहाँ पे वो हैकिंग परफॉर्म करने के लिए किसी भी तरह के शिक्षण की जरूरत नहीं होती है। ये कॉमन सेंस का विषय है कि हम हमारा पासवर्ड, हमारे जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन होती है, वो किस हद तक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्क्लोज कर सकते हैं। और ये जानकारी होना हमारी यंग जनरेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सोशल मीडिया हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन चुकी है, जिसके बिना हम लोग अभी जी नहीं सकते। सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से आती है, न्यूज़ वहाँ से समझ में आती है, लोगों से बातचीत उस माध्यम से होती है। तो मेरे हिसाब से ये जो सामान्य लोग हैं उनके लिए जो गाइडलाइंस आने वाली है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। वो स्ट्रिक्ट के साथ साथ वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने की ज़रूरत है, ताकि ये साइबर अटैक्स को हम हमारी तरफ से इंडिविजुअल लेवल पे टाल सकते हैं या फिर थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर सकते हैं। ये कई बार देखा गया है कि ये जो साइबर अटैक जो हो रहे हैं, साइबर अटैक ज्यादातर सरफेस अटैक की अगर बात करें तो ज्यादा से ज्यादा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के ऊपर में होते हैं, आपके बैंक डाटा ये करना। और कई बार, और अब तक के रिकॉर्ड है कि जब हमने भी कुछ दिनों पहले नागपुर के सिटी साहब से बात करी थी, तो उन्होंने भी इस पर कुछ अपनी टिप्पणियां जाहिर की थी कि हाँ ये होता है, और इसमें कई तो अच्छे अच्छे एजुकेटेड लोग भी इसमें झांसे में आ जाते हैं, और जब ये अटैक होते हैं तो इसके बाद में रिकवरी का पार्ट जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे इसमें जैसे आप लोग गाइडलाइन की बात करें, डॉक्टर आलोक जी भी मेरे साथ में सहमत होंगे, मैं उनके टिप्पणी भी चाहूंगा कि सर ऐसे दौर में हम कैसे बचेंगे? दो तीन चीजें हैं इसमें। हम जो एक जो हमारी मानसिकता है, जो सस्ता वो सबसे अच्छा, हम लोगों ने जो चाइनीज मोबाइल घर पे लेके आए हैं, ये पूरा का पूरा डेटा जो है वो वहां ट्रांसफर कर रहा है। हमने वही से शुरुआत किया, तो फिर हमने वही से शुरुआत चाइनीज मोबाइल घर पे लाने से हमने अटैक अपने ऊपर में लेना शुरू कर दिया। ये एक चीज को हमको बहुत सोच समझ के और ध्यान देना चाहिए। हम लोग बिना सोचे समझे कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेते हैं, उस पर हमको बहुत विशेष ध्यान होगा। मैं थोड़ा बहुत एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी है बियॉन्ड सिक्योरिटी, उसके साथ मैं कुछ पैमाने पे जुड़ा हूँ, इसलिए मुझे ये सब थोड़ी बहुत जानकारियां हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा ये होता कैसे है। हैकर्स लोग जो है, दुनिया के जो हैकर्स हैं वो इतने स्मार्ट हैं कि ये फोन बनता है ना, तो फोन जैसे ही आपका लॉन्च हुआ उसके 4-3 दिन के अंदर उसका पूरा वो पूरा पहुंच जाते हैं अंदर उसके, और वहां से प्रोसेस आपकी शुरू हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि एक फोन है एप्पल, एप्पल हर साल अपना वर्जन चेंज करता है, तो
मुझे भी समझ में नहीं आता था कि ये क्या है यार, ये आज इसने इतना अच्छा फोन किया, एक साल बाद में फिर दूसरा आ गया, फिर तीसरा आ गया, ये क्यों है। तब ये समझ में आया कि हैकर्स लोग जब तक कि एक साल में वहां तक पहुंचते तब तक कि उसका मॉडल चेंज कर देता है, ओनली फॉर सिक्योरिटी रीजन। ये सिक्योरिटी के कारण ही ये सब चीजें होती है इसमें। और जैसा कि हेरोल्ड जी ने बताया कि जो हमारा डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट है और बैंकिंग सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सेफ है। कई कई बैंक जो है उसको फॉलो जब नहीं करते, अभी तो गवर्नमेंट की भी काफी कुछ गाइडलाइंस आई, हेरोल्ड जी बताएंगे हम लोग, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी बहुत स्ट्रिक्ट गाइडलाइन दी है। पहले तो ये था कि नेट बैंकिंग नहीं थी, अब नेट बैंकिंग इंडिया में शुरू हुआ है तो सेफ्टी के ऊपर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि प्रिकॉशन लेना चाहिए। सॉफ्टवेयर बन गया है साहब, हम लोगों को तो अपना काम शुरू कर दिया, लेकिन ये हैक हो सकता है। ये अभी आप ये सब जो सुन रहे हैं, आप ये 2-3 साल में सुन रहे हैं कि ये सब ज्यादा हो गया है ये सब जी। और एक जो बात है कि ये चाइना से ही अटैक हुआ है, कि हाँ ये चाइना से ही हुआ है। क्यों? क्योंकि कल रात में डीजी साइबर ने मीडिया को बताया है कि उन्होंने एक आइडेंटिफाई किया है लोकेशन कि चाइना से इस लोकेशन से मैक्सिमम अटैक हुए हैं, पूरे अटैक हुए हैं ये नहीं कहा उन्होंने, मैक्सिमम अटैक जो हुए हैं वो उन्होंने ट्रेस करके बताया कि ये यहाँ यहाँ से ये अटैक मैक्सिमम अटैक यहाँ से हुए। हाँ, हेरोल्ड सर भी बता रहे थे कि जितना ब्रेकडाउन करेंगे उतना पता चलेगा, वो तो पता चलेगा कि वो एक्चुअल अटैक कहाँ से हुआ है। हाँ, तो वो किया है। मैं चाहूंगा हेरोल्ड सर के एक दो लाइव एग्जाम्पल कुछ हम लोगों के साथ में वो शेयर करें और ऋषि का भी शेयर करें, सो देट लोगों को बहुत जल्दी चीजें समझ में आ जाए। हेरोल्ड सर, एक्चुअली जो पहली बात है कि जो आम जनता जो साइबर क्राइम का शिकार बनती है, जिसको मैंने कहा कि सरफेस लेवल अटैक होता है, और ये बैंक से इस करीब 3 महीने के लॉकडाउन में अप्रोक्सीमेटली मेरे पास करीब 141 मैटर्स आए थे, और इसमें से करीब 75% ये तो फाइनेंशियल फ्रॉड रिलेटेड थे। हमारी देश में एक कानून है आईटी एक्ट 2011, इंटरमीडियरी रूल्स, जिस आधार पे अगर हमारी बैंकिंग सिस्टम इसको फॉलो करती है तो मैं आपको दावे से कहता हूं कि हमारे देश में 1% से भी ज्यादा लोग फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार नहीं हो सकते हैं। हमारी जो मेन जो प्रॉब्लम है, और वो ये प्रॉब्लम नहीं कि हमारे देश में लॉ नहीं है, बट जो ये जो फॉलो करने की जो प्रक्रिया होती है यहां पे थोड़ी बहुत लैक्सिटी है। नंबर टू, जब आप बात करते हो कि हमारी जो बैंकिंग सिस्टम की जो सिस्टम की खामियां, मैं नहीं सोचता हूं कि हमारी बैंकिंग सिस्टम में टेक्निकली कोई खामियां है। हमारी खामियां वहां पे है इन टर्म्स ऑफ इट्स यूसेज, इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अमंग द पब्लिक, जो हमारे देश में सबसे कम है। जैसे कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होती होगी ना? एक्चुअली कोऑर्डिनेशन में भी प्रॉब्लम होती है, सही बात है। और जो अवेयरनेस के मामले से जब मैं कहता हूं, तो ये जो अवेयरनेस वेबसाइट पे आती है, लेकिन आम जनता कितने बार आरबीआई की वेबसाइट एक्सेस करके जानेगा कि ये प्रोसीजर है ये प्रोसीजर नहीं है। तो ये जो आम जनता की जो अवेयरनेस होनी चाहिए, ये जो गाइडलाइंस होनी चाहिए, ये हर एक हमारे देश के जो स्टेट है उनकी भाषा में SMS के माध्यम से लोगों को ट्रेन करना चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, मैं कुछ आरबीआई ऑफिशियल्स को भी पढ़ाता हूं मैं, तो कुछ प्रोग्राम्स में मैंने उनसे बात की थी कि हमारे देश में अगर फाइनेंशियल फ्रॉड्स को अगर हमें रोकना है, साइबर फाइनेंशियल फ्रॉड्स, तो जैसा कोई एक आम व्यक्ति जब उसको कोई गाड़ी चलाना है, 2-व्हीलर 4-व्हीलर, तो एक लाइसेंस मस्ट होता है। तो जब किसी अकाउंट होल्डर को जब हम कोई प्लास्टिक मनी, जैसा क्रेडिट कार्ड हो, डेबिट कार्ड हो, इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट हो, मोबाइल बैंकिंग हो, तो हमें उस व्यक्ति को अवेयरनेस करनी होगी। अवेयरनेस करने के साथ साथ हमें एक छोटा सा टेस्ट लेना पड़ेगा, भले वो 30 क्वेश्चन हो, ऑनलाइन क्वेश्चन हो, जिसमें उस व्यक्ति को कम से कम 70% मार्क्स मिलने चाहिए, ताकि वो व्यक्ति जान सके कि इंटरनेट के माध्यम से ऐसे कुछ क्राइम हो सकते हैं और ऐसे क्राइम से कैसे मेरा बचाव हो सकता है। जब तक उस व्यक्ति को 70% से ज्यादा मार्क्स नहीं मिलते हैं, तब तक उस व्यक्ति को इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, डेबिट कार्ड ऐसे इस्तेमाल की अनुमति नहीं देनी चाहिए, उसका एक्सेस नहीं देना चाहिए, जिसमें उसका फायदा है, उसी का फायदा है, उसी का फायदा है। तो जब मैं किसी बैंक से भी बात करता हूं, क्योंकि उनको पढ़ाता हूं मैं,
तो वो कहते हैं कि हमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, ट्रेन करने में टाइम लगेगा। तो मैं कहता हूं कि आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि आपके इतने सारे जो ब्रांचेस हैं, आप एक जिले में करीब 5 या 6 सेंटर्स आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, जहां पे अकाउंट जब आपके पास आता है, जब आप ये कार्ड इश्यू करते हो, तो आप उनको एक आधा घंटा अवेयरनेस दीजिएगा, एक छोटा सा टेस्ट लीजिएगा, और उसके बाद अगर कोई कोई क्राइम होता है तो उसकी लायबिलिटी आप पे नहीं होती है। आज हमारे जो बैंकिंग सिस्टम में अगर जब कोई क्राइम होता है तो करीब 80% केसेस में ये पाया जाता है कि ये एक अकाउंट होल्डर की गलती है, उसने इधर अपना एक फेक लिंक पे उसने क्लिक किया, उसने अपना ओटीपी शेयर किया या अपने पासवर्ड शेयर किया, जिस माध्यम से हैकर उसके मोबाइल को या उसके बैंक अकाउंट को एक्सेस करके उसके अकाउंट से पैसे निकालता है। ये कोई हैकर नहीं है, ये तो एक आम चोर हो गया, जिसके पास आपने चाबी दी है, वो सिर्फ आइडेंटिटी थेफ्ट करके, वो पासवर्ड यूज करके आपका अकाउंट को एक्सेस करता है। इसको मैं हैकर नहीं बोलूंगा, मैं जी। इसको मैं एथिकल हैकर नहीं हैकर बोलूंगा मैं, ये तो अनऑथराइज्ड एक्सेस ही है, लेकिन ये नहीं कहूंगा कि ये बहुत ही शातिर या बहुत ही टैलेंटेड कोई हैकर हो। सो व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, उसने अपने अपने हाथ से आपको बता के आपसे आपके हाथ से आपके अकाउंट की चाबी निकाल ली है। एब्सोल्युटली, जब हम अपनी पूरी पासवर्ड या हम अपनी पूरी डिटेल्स उनके हाथ तक पहुंचा देते हैं तो उनको सिर्फ एक्सेस करके हमारे अकाउंट से पैसे निकालना है। है, तो इसके पीछे का कारण भी ये होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग उतने ट्रेंड नहीं है। जैसे आपने कहा कि ड्राइविंग लाइसेंस लेने से पहले हमारे टेस्ट होते हैं, हमारी एक्सपर्टाइज टेस्ट होती है, उसके बाद में हमें ड्राइविंग लाइसेंस इश्यू होता है। और हेरल साहब, आपने जो बात कही, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन कहिए, सरकार की इच्छा शक्ति का होना इसके लिए अत्यंत आवश्यक है, ताकि ये प्रोसेस जो आपने एडवाइस किया है इसको फॉलो हो सके। सही बात है। हमारे हमारे देश में करीब 98% जो जो आम जनता है, इन्हें साइबर अवेयरनेस नहीं है जी। और इस पर्टिकुलर 98% में जिनको साइबर अवेयरनेस नहीं है, इनमें से ज्यादा करके जो व्यक्ति हैं, ये सीनियर सिटीजन्स होते हैं जिनको साइबर के बारे में कुछ पता नहीं है। और मोस्ट ऑफ द टाइम यही कैटेगरी वाले ग्रुप होते हैं, यही फाइनेंशियल फ्रॉड के शिकार होते हैं। दूसरी बात जो मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूं, और वो ये है कि अगर आम जनता, अगर आज कोई बैंकिंग फ्रॉड्स उसके साथ होता है, तो आरबीआई के गाइडलाइंस के अनुसार 3 दिन के अंदर अगर वो व्यक्ति अपने ब्रांच में जाके वो कंप्लेंट करता है, और अगर उस व्यक्ति का उसने अगर उस व्यक्ति ने अपना पासवर्ड शेयर नहीं किया है या अनऑथोराइज लिंक पे नहीं क्लिक किया है, उसके बावजूद अगर उसके अकाउंट से पैसे निकाले जाते हैं, तो 30 दिन के अंदर उस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे वापस जमा किए जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि आम जनता को पता नहीं है। हमारी आम जनता पहले पुलिस के पास जाती है, पुलिस के पास जाती है अपनी एफआईआर रजिस्टर करने के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि पुलिस इज नॉट अ रिकवरी एजेंट। पुलिस उस व्यक्ति को पकड़ सकता है, लेकिन जो व्यक्ति ने अपना जो पैसा जो मिसप्लेस किया है, जो उसने खोया है, वो क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर में, अगर वो होगा पकड़ेगी उसके बाद में लेकिन आपके पास अच्छी प्रोसीजर है, आप बैंक में जाइए, आप बताइए कहां से हुआ, वो भी पता नहीं है। हाँ, ये भी पता नहीं है। और बहुत सारे वक्त तो प्रॉक्सी ऐसे कुछ अटैक किए जाते हैं, जहां पे आपको बताया जाता है कि ये अटैक चाइना से हुआ है, कोरिया से हुआ है, जापान से हुआ है। हो सकता है कि वो अटैक आपके जस्ट 2 किलोमीटर आपके कोई बाजू वाले नुक्कड़ से हुआ था हो। तो गवर्नमेंट ने अंडर द आईटी एक्ट सेक्शन 72A के प्रावधान है, जहां पे हर एक बैंक ने अटमोस्ट सिक्योरिटी देनी चाहिए अपनी बैंकिंग सिस्टम को, जो काफी हद तक है। और अगर उनके बैंकिंग सिस्टम अगर ब्रीच्ड होती है, अगर किसी व्यक्ति का डेटा बैंक अनऑथराइज्डली किसी व्यक्ति को देता है, तो 3 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना हो सकता है, और अंडर अ सिविल ऑफेंस 1 करोड़ रुपए का कॉम्पेंसेशन भी मिल सकता है जिस व्यक्ति के अकाउंट से पैसे निकाले गए। तो ये रही एक बात। रही दूसरी बात, जो एक बहुत ही बड़ा जो फ्रॉड होता है, सोशल नेटवर्किंग बहुत आम हुआ है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि मेरे लिए तो व्हाट्सएप इज द मोस्ट एडोरेबल फेक यूनिवर्सिटी।
83% ऑफ द मैसेजेस जो व्हाट्सएप से चर्न आउट किए जाते हैं ये फेक होते हैं, ये लोगों के मन में एक डर पैदा करते हैं। अभी चाइना का जो साइबर अटैक की जो बात हो रही है व्हाट्सएप के माध्यम से पूरी आम जनता तक फैली है कि साइबर अटैक जो है चाइना का होने वाला है और इतने इतने परसेंटेज में लोगों के मोबाइल जो है वो होने वाले, कई लोगों ने तो अपने मोबाइल फोन डर के मारे। रत्नाकर जी साइबर इसमें चलो व्हाट्सएप पे तो आया है लेकिन साथ में सरकार ने भी इस चीज का खंडन नहीं किया ना, सरकार के पास भी न्यूज इसकी पहुंची है। हेरल जी बता रहे थे, एक तो है कि हम खुद साइबर वाले को हमारी लालच में किसी को चोर को निमंत्रण दे रहे हैं और दूसरा है कि जो हमारे सिस्टम में आ जा रहा है उससे हम लोग अनलोड, लेकिन जो हम निमंत्रण देंगे किसी लालच में, जितने भी बता रहे जो चोरी हुए थे किसी प्रकार के लालच देके हमारा अकाउंट वो ले लेते। और हमारे यहाँ जो आप एक्ट वगैरह सारा बता रहे हेरल जी, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमको कोई लगता है कि हमारे साथ में कोई फ्रॉड कर रहा है, यदि हम उसकी सूचना देने पुलिस को जाए तो पुलिस ये पूछती तुम्हारे साथ में फ्रॉड हुआ क्या, फ्रॉड नहीं हुआ तो आपकी कंप्लेंट नहीं लेते, आपकी किसी चीज को मानते नहीं है। यहाँ पर भी आपने भी बैंकिंग का बताया जनता को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे साथ में फ्रॉड भी हो तो बैंक वाले सीधे रीडायरेक्ट पहले बोलते पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट जाके आओ। देखिए ये सारी चीजें जो पहले लोगों को प्रैक्टिस किया है, लोगों को सबसे आसान तरीका बैंक है, सबसे पहले वो बैंक में जाता कि मेरे पैसे कहाँ गए, वो पुलिस के पास नहीं जाता। 90% लोग पहले बैंक में जाते कि मेरे खाते में 40,000 बैलेंस था, अभी मुझे 10,000 दिख रहा, 30,000 कहाँ गए, तो बोलता कोई नहीं ले लिया होगा, तुम पुलिस में जाके कंप्लेंट करो। बैंक वाले देते ट्रेनिंग, बैंक वालों को देना ज्यादा जरूरी है, सेक्टर वालों को देना ज्यादा जरूरी है, जनता 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 नहीं होता, लेकिन वो आप जनता को नहीं बताते ना। जनता में अभी मैं जाता हूँ स्टेट बैंक में, सब ये मुझे समझता, ये हमारी वेबसाइट है वहां पे जाके देख लो, कोई व्यक्ति काम करने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा जो फ्रॉड होते हैं उसके लिए जिम्मेदार बैंकिंग वाले खुद है, उसके लिए कहीं पे भी जनता खुद बहुत कम, हर बार अवेयरनेस होता है किसी को नहीं देना, लेकिन किसी कारण से हो जाता है। सबसे पहला आदमी बैंक, 3 दिन नहीं लगते साहब, इमीडिएट 2-3 घंटे, कई केसेस हमारे यहाँ पे हमारे पास में आते हैं कि मेरा चले गया, वो हम चेक करने में जो टाइम पीरियड रहता है वो पूरा आपने बताया कि 30 दिन के अंदर पूरा टाइम पीरियड निकाल देते हैं, उसके बाद में उसके हाथ में से केस चल जाती है। जनता तो अवेयर करती है, लेकिन जो डायरेक्ट अटैक करता है, हम बात कर रहे हैं डायरेक्ट अटैक वाले की, ये तो है कि हमारी लालच, कई मेल्स मुझे आते हैं, इतना है अभी कुछ दिन पहले मेल्स आया कि आपका ये पैसा हमने इससे भेजा है, आता है कि बाद में उसको पैसा देके छोड़ा दो, ये चीज हमारे समझ में आती, कई लोग इस लालच में आ जाते हैं, अपना बैंक नंबर देते, अकाउंट देते बैंक के माध्यम से पैसा, वो एक लालच के अंतर्गत आता है सब, वो क्योंकि मुझे कोई चीज की लालच मिलती है, आपको ये चीज सस्ती मिल रही जाके ले लो, वो एक चीज अलग है, लेकिन कोई हमारे बिना जानकारी के हमारे पैसा निकाल लेता, हमारी सिक्योरिटी ले लेता है। जो चाइना से भी बातें आ रही है, आपने बिल्कुल सही कहा कि कहां से अटैक हो रहा पता नहीं, उसका ट्रेस नहीं करना, जैसे उन्होंने बताया चेंगड़ू वहां पे शहर है, वहां से सारा का सारा ये हो रहा है, ये सारी चीजें हो रही है। अब ये चीजों में हम इसको, क्योंकि हमारी टेक्नोलॉजी सारी यूएसएस लेके पूरे विश्व में फैली हो, इसको रोक सकते हैं हम, लेकिन उसके बावजूद उन पे अटैक करने के बजाय पूरी जनता को डराया जा रहा है कि आप अपने खुद सेफ रहो। 98% आपने बताया कि लोग अवेयर नहीं करते, अवेयर करेंगे नहीं करेंगे ऐसा नहीं, लेकिन अटैक को रोकने के लिए आपके पास, सरकार के पास भी तो प्रयास होने चाहिए, उस संस्था के पास प्रयास होना चाहिए। देखिए संस्थागत अटैक तो खुद अपने व्यक्तिगत अटैक जाता है, किसके पैसे जाते हैं, किसका डाटा जाता है, वो बहुत चिंता वाली विषय है। जो सरफेस अटैक की आप बात कर रहे हैं, उसके लिए सुविधा के लिए सरकार ने कहीं तो भी गाइडलाइन जारी करके और एक पब्लिक अवेयरनेस करके और जनप्रतिनिधि के माध्यम से लोगों तक पहुंचानी चाहिए। आप सीनियर सिटीजन की बात कर रहे हैं, सबको साहब स्मार्ट मोबाइल भी चलाते नहीं आता, कहां से आप व्हाट्सएप पे मैसेज देके छोड़ देते हैं, मेल पे देके छोड़, कहां से चेक करेगा, उसके पास सोर्स क्या है। आप बैनर्स लगाओ, पोस्टर्स लगाओ, पुरानी जो हम मास पब्लिसिटी करते थे लाउडस्पीकर लगा करते, वो घुमाइए, बैंकों के माध्यम से समझाइए, ये सारी चीजें बैंक में भी वहां पे इंग्लिश में लिख के रख देते, कोई किसी को समझाया नहीं जाता, यह प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूँ। यहाँ इसके मैसेजेस वगैरह भी आते हैं सभी को, हिंदी में भी मैसेजेस आते हैं कि अपना OTP अपने ये सारी चीजें कोई बैंक मांगता नहीं, आपका CVV नंबर वगैरह बैंक कोई मांगता नहीं, ये मैसेजेस आते हैं। OTP रत्नाकर जी, OTP डिफरेंट चीज है, वो उसकी लापरवाही से गया, हम बात कर रहे हैं कि हमारे कुछ नहीं होते हुए हमारा पैसा कम हो जाता खाते में से, वो भी हमारा डाटा चोरी हो जाता है, हमारा डाटा लीक हो जाता है, हम उसकी बात कर रहे हैं, ये तो लालच की बात है। नहीं, लालच में करता है OTP शेयर साहब, फुकट में कोई नहीं करता, वो बताते नहीं है, आधी बातें बताते पुलिस को, आधी बातें बताते नहीं है। ठीक है, मैं उके सबके पास में आना चाहूंगा। उके जी, चाइना का जो साइबर अटैक की हम बात कर रहे हैं, जिसकी घात मतलब ये कितना डेंजरस हो सकता है इसकी बात कर रहे हैं, या ये हाइप हो, लेकिन अगर चाइना कहीं ना कहीं अगर ये सोचता है कि मैं साइबर अटैक भारत के ऊपर में करूं,
या किसी भी देश के ऊपर में, तो क्या यह संभावना कितनी बनती है और इसकी क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं देश के ऊपर में? मैं पूरे देश की बात कर रहा हूँ सर, इंडिविजुअल बात नहीं कर रहा। या अच्छा, चाइना के बारे में बात करें। ओके, तो सारे लोगों को पता है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, वैसे ही उनके पास एक अलग चीज है जो बोलते हैं ग्रेट कैनॉन। कनेक्शन हमारा शायद उनका कनेक्शन बाकी सब लाइन पे है। ऋषिका जी के पास मैं आऊंगा। ऋषिका जी, आप हैकर सेरा को रिप्रेजेंट करती हैं, तो आप लोग हैकर सेरा में करते क्या हैं? आप क्या हैकिंग सीखते हैं या हैकिंग करवाते हैं, करते क्या हैं आप लोग? जरूरत क्यों पड़ती है एथिकल हैकिंग की? मैं तो ये सीधा सवाल पूछूंगा। हाँ। जी, एथिकल हैकिंग जब भी हम करते हैं तो प्रोजेक्ट जब भी हम एथिकल हैकिंग करते हैं तो एथिकल हैकिंग का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी वेबसाइट होती है, अगर आप जैसे आप किसी कंपनी के बड़े रिप्रेजेंटेटिव है, तो आप हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि ये मेरी वेबसाइट है, कहीं देखो तो कि इसमें कोई सिक्योरिटी रिलेटेड वल्नरेबिलिटी तो नहीं है, कोई खामियां तो नहीं है, कोई तकनीकी खराबी तो नहीं है। और हमारा काम क्या होता है कि हम आपके परमिशन के साथ आपका वेबसाइट टेस्ट करते हैं, उसको एक तरह की हैकिंग ही बोलते हैं, लेकिन आप उसके बारे में जानकार रहते हैं कि हम आपकी वेबसाइट पर टेस्टिंग कर रहे हैं। और जैसे ही आपकी वेबसाइट पर टेस्टिंग होते हैं, उसके रिलेटेड एक रिपोर्ट बनाते हैं कि ये देखिए, ये आपका वेबसाइट है, इसमें ये खामियां हमको मिली, तो आप ये खामियों को भरने के लिए ये कीजिए, इस तरह से आप अगर इम्प्लीमेंट करेंगे कुछ चीजें तो आपकी वेबसाइट ज्यादा स्ट्रांग रहेगी। तो अगर कोई भी थर्ड पार्टी हैकर हो जिसके इरादे कुछ खास अच्छे नहीं हो, वो अगर आपके वेबसाइट पे आके हैकिंग करता है, तो आपकी वेबसाइट ऑलरेडी हमारी तरफ से सिक्योर रहती है। तो एथिकल हैकिंग तो पता चलता है कि कोई और एनक्रोचमेंट इस पे हो रहा है, तो दैट यू कैन फाइंड आउट। यस यस, वी कैन एक्चुअली फाइंड आउट वल्नरेबिलिटीज जो वेबसाइट में होती है। और इसके अलावा हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं, क्योंकि अवेयरनेस, जैसे हैरोल्ड सर बोल रहे थे कि अवेयरनेस की बहुत जरूरत है, तो अगर यही यंग जनरेशन सारी इकट्ठा होती है और यही साइबर सिक्योरिटी के बारे में सीखती है, तो शायद हम हमारी तरफ से इंडिया को स्ट्रांग बना सकते हैं कि अगर किसी भी वेबसाइट पर कोई भी साइबर अटैक हो रहा हो, तो हमारी तरफ से क्या आइडियोलॉजीज होनी चाहिए, क्या चीजें हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारी तरफ से। जैसे अभी हमारे ही जनरेशन से आगे आने वाले वेबसाइट डेवलपर्स बनेंगे, आगे हमारी ही जनरेशन से हैकर्स भी बनने वाले हैं, मतलब वो एथिकल होने चाहिए। लेकिन फिर ये जो रहता है कि डेवलपर्स होंगे, तो डेवलपर्स ने कौन सी सिक्योरिटी गाइडलाइंस का इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए कि वेबसाइट बनते ही समय वो बहुत सिक्योर हो, या फिर हम जो होते हैं हम किस तरह से अटैक करना चाहिए ताकि कोई भी थर्ड पार्टी हो वो अगर अटैक करे तो उसका इम्पैक्ट कैसा रहेगा, उससे कितना लॉस हो सकता है, उसका जो एस्टिमेशन या फिर उसके जो आइडियोलॉजीज रहते हैं वो, उसके बारे में हम लोग एनालिसिस करते हैं। तो ये होता है एथिकल हैकर का वर्क। हमारी वेबसाइट है तो किस प्रकार से लोग हैक कर सकते हो पहले आप चेक कर लेते हैं, और वो हैकर की संभावना सारे आप सिक्योरिटी लगा के उसको हमारे हैक होने की संभावना कम कर देते। फायरवॉल जैसा कुछ लगा देते हैं क्या? फायरवॉल जैसा बोलते हैं? फायरवॉल तो ऑलरेडी होते हैं, फायरवॉल तो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड होते ही है, लेकिन उसके अलावा जो अगर कोडिंग में कुछ खराबी हो जाती है या फिर किसी भी, बेसिकली हैकिंग होता क्या है कि अगर कुछ एक काम करना हो तो, और अगर हम कुछ और इनपुट देके कुछ दूसरा ही काम बात बिगड़ जाती है बनने के अलावा, तो उसको हम हैकिंग बोल सकते हैं। तो ये ना हो इस तरह से कुछ हैकिंग ना हो, उसकी वजह से कुछ सीरियस इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए, इसके लिए जो ये सारी टेस्टिंग होती है कि मतलब हर एक चीज को एनालाइज करना जो जरूरी होता है, हर लॉगिन पेज आप बोल सकते हो, हर ट्रांजैक्शन पेज आप बोल सकते हो, उसके सारे गाइडलाइंस की जो रिपोर्ट बनती है वो एक एथिकल हैकर का काम होता है। ठीक है, ओके साहब, आपकी ओके साहब की बात रह गई थी, ओके साहब की बात करो, इनका टेक्निकल वजह से इक्वी साहब की बात रह गई थी, ओके साहब की बात पहले हम सुन लेते हैं। ओके साहब, हां, मैं ये बता रहा था कि बहुत सारे अपने इंडिया में ऐसे सर्विस प्रोवाइडर्स है, वोडाफोन आइडिया रहो, एयरटेल रहो, ये बहुत सारे इनकी जो इक्विपमेंट्स है वो चाइना से आते हैं। ठीक है, तो अपने को ये भी देखना है कि ये अपने को हम पहुंचा सकते हैं क्या। सेकेंडली, अभी जो मैं बोल रहा था कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना सबको पता है, वैसे ही उनका एक ग्रेट कैनॉन प्रोजेक्ट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक लगाता है। अभी ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल सर्विस अटैक क्या होता है कि एकाधी सर्वर और एक कोई वेबसाइट पे इतने अटैक करेंगे कि आगे जाके या फिर उस दिन या फिर उस समय वो काम करना बंद कर देंगी। अगर कोई बैंक का सर्वर है उसपे इतने सारे अटैक्स करेंगे कि वो
बंद हो जाएगा, अपने को उस पे से कुछ मिलेगा नहीं। तो ये उनका एक प्रोजेक्ट है ग्रेट कैनन, काफी साल पहले उनका चल रहा है, ये चाइना की बात हो रही थी। वैसे अभी सबने बोला है कि ये चेगड़ू से सारे अटैक्स हो रहे हैं, ये सारे जो अटैक्स हो तीन टाइप्स में अगर डिवाइड करना चाहते हैं, एक तो DOS दैट इज डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, IP हाईजैकिंग ये सेकंड टाइप ऑफ अटैक है, और एक फिशिंग। तो अभी जो अपने सबको पता है कि NCOI 2019@ नीलेश जी, कैसे बैन किया जा सकता है टिकटॉक, कैसे बैन किया जा सकता है? आप ऐसे कितने चीजें बैन करोगे? सब कर दो, जो जो गांव हाथ फूल है, जो समझ में आ रहा है उनको बैन सब करो। नहीं ठीक है, दूसरे देशों में भी चाइना साहब इंग्लिश नहीं बोलता आपसे बात करने में, सारी लैंग्वेज बैन है वहां पे चल रहा है। हम चाइना की बात करते हैं, चाइना की अच्छाई अभी तो देखिए ना आप, क्या क्या शुरुआत ही खराब हुई ना सर, शुरुआत से तो हम लोगों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया कहीं ना कहीं शुरुआत से। अगर जहाँ पे अरे जिस दिन वहां चंदू जी 70 साल, अरे छोड़ दो 70 साल छोड़ दो ना, अरे 70 साल में टिकटॉक ने ऐसा, टिकटॉक अभी आया 4 साल, 70 साल से नया टिकटॉक, एक टिकटॉक तो बैन करो, एक टिकटॉक तो बैन करो आप। क्यों क्यों जनता हर चीज में जनता से क्यों अपेक्षा करते हो? अभी देखो जनता का पैसा जा रहा है, आपने सारा कर दिया, साहब ने कैशलेस मनी कर दिया, आपके पास सिक्योरिटी नहीं है, जिस दिन से किया कितने सारे स्टेट बैंक के कार्ड हैक हो गए, आपका सिक्योरिटी तो है नहीं, आप सिस्टम लॉन्च करना चाहते, पहले खुद की तैयारी कर लो उसके बाद जनता के साथ में जाओ ना आप। ये बात सही है कि हमको तैयारी करना होगी और हम कर भी रहे हैं तैयारी, ऐसा नहीं है कि सरकार तैयारी, लेकिन जो छोटी छोटी चीजें जो की जा सकती है वो इमीडिएटली सरकार ने करना चाहिए। घर जल जाएगा बाद में फायर ब्रिगेड आएंगे, कोई काम की बात नहीं, फायर ब्रिगेड का पहले इंतजाम करो, आग कभी भी लग सकती। मैं एक बात थोड़ा जी कुछ ऐड करना चाहता हूं मैं, अगर आपकी अनुमति हो। जी, हमारी देश ने एडवाइजरी गाइडलाइंस इशू की है, ऐसे हमारे देश में ऐसे कोई 32 ऐप है जिसमें टिकटॉक भी है, जिसमें ट्रू कॉलर भी है। एडवाइजरी गाइडलाइंस इशू हो चुकी है 1.5-2 साल पहले से, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुई है, जो आपने बताया पहले भी इंप्लीमेंट नहीं हुई है। तो हमारी देश में जो हमारी देश की जो सबसे बड़ी जो नोडल साइबर सिक्योरिटी एजेंसी है CERT, कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये गाइडलाइंस इशू करती है, लेकिन सरफेस लेवल तक ये आम जनता लेवल तक पहुंचती है या नहीं, ये मेरा बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक प्रश्न सर आपसे, एक प्रश्न, टिकटॉक बंद करने में सरकार का क्या नुकसान है? इनफैक्ट देखिए क्या है कि आजकल ये जो सोशल मीडिया है, इट इज बून और बेन, ये डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि आजकल के जो यंग जनरेशन है, अगर आप इनको सोशल नेटवर्किंग ऐप से जुड़ा के नहीं रखोगे तो आई डोंट नो व्हाट कलोसल डैमेज हो सकता है। एग्जैक्टली आप इनको पूरा इतना उलझा के रखना चाहते हैं कि देश में जो गलत चल रहा है उसके तरफ ध्यान ही नहीं दे सकते। नहीं पूरा उलझा के रखा हुआ साहब, पूरा उलझा के रहे, सोचने की शक्ति खत्म कर दी। मैं आपसे यही उत्तर चाह रहा था। चंदू जी मेरी आवाज आ रही है? अरे 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 इसका मतलब चाइना के साइबर अटैक से डरे हुए हैं कि अपनी सरकार के अध्यक्ष से डरे हुए हैं? नहीं नहीं, अपनी सरकार साहब उससे निपटने में सक्षम नहीं इसलिए डरे हुए, सरकार खुद ही बोल रही है अटैक होगा। जैसे अभी हेरोल्ड जी बता रहे कि हमारे पास में सारी टीमें, जैसे कोई हम पे फिजिकल अटैक करता था हम बोलते हैं पूरे सक्षम है हम निपट लेंगे, साइबर में भी बोलो साहब कैसे अटैक करेंगे हम निपट लेंगे, क्यों नहीं बोलते? सारी सिस्टम है, सारे लोग अपने यहाँ से लोग कहकर अपने से सीखते जा रहे हैं। पता ही नहीं है, ये तो हेरोल्ड जी को पता है, उनकी सरकार में लोगों को कमजोर कमजोर, तो मैं तो बोल रहा सरकार की कमजोरी है, मैंने कहा बोला आपकी और मेरी कमजोरी, सरकार की कमजोरी, सरकार ने चाहे सरकार सीधी बोल दे रही अटैक हो रहा। अरे साहब उसकी ये तो करके लोगों को डरा के मत रखिए, आपके पास सारी सुविधा है तो लोगों को डरा के फिर कोरोना में से बाहर निकालेंगे, फिर नया बाहु लाएंगे उसमें से बाहर निकाल। सरकार एक दूसरी कोई तो भी ऐसी चीज चाहती पुराने चीज में से निकल जाए। शाइन बैग हट गया कोरोना आ गया तो, नहीं तो चल रहा था वो। मुझे लगता है कि 2020 जो है हमारे ऐसे ही कभी साइबर अटैक कभी कोरोना और पता नहीं आने वाले 6 महीने जो है उलझा के उलझ के रहने, पब्लिक उलझ के रहने वाली लाइफ टाइम साइबर अटैक और जनता के बीच में जो सरकार नाम के जो फायरवॉल है, यह फायरवॉल कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती नजर आ रही है। ओके जी। हाँ जी सर, गवर्नमेंट एजेंसी के पास तो पूरी की पूरी यंत्रणा नहीं है, उनको कुछ प्राइवेट एजेंसीज के तरफ से मदद लेना बहुत जरूरी है। अभी पुलिस डिपार्टमेंट देखो, ये कोई IPS ऑफिसर्स या फिर ये जो ऑफिसर्स, ये कोई
साइबर क्राइम लॉ वगैरह ये शुरुआत से पढ़ के नहीं आए हैं, ये अभी भी चालू हुआ है 15-20 साल पहले। तो हर कोई पुलिस को अगर पूछे भी ना कि मेरे अकाउंट से इतने पैसे गए तो कौन से सेक्शन में डाले, शायद वो भी उनको पता नहीं हो। सबको मैं बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि सबको पता नहीं है, कुछ लोगों को पता भी हो सकता है। तो बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज है इंडिया में, जो इवन जो बच्चे मेरे कॉलेज के बच्चे अगर पकड़े तो यूनिवर्सिटी के पेपर हैक करते हो। एक दिन पहले हमको, एक घंटा पहले पेपर मिलता है, यूनिवर्सिटी के पेपर हैक करते। ये जो रसिका जैसे इथिकल हैकर्स, दे आर मोर स्मार्टर देन एनी अदर, आई कैन से 50-60-70 ईयर एक्सपर्ट। ये बच्चों को बहुत मजा आती है ऐसे करने में, और इसीलिए वो चैलेंजिंग लगता है कि मुझे उस सर्वर पे जाके ये डाटा लेके आना है। उनको ये चैलेंजिंग लगता है और वो दिन रात उसी पे चलते रहते हैं और उनको सक्सेस मिल जाता है। तो बहुत सारे प्राइवेट एजेंसीज जो काम करती है पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, उनके साथ बैठ के अपने को सोल्यूशन निकालना बहुत जरूरी है। सिर्फ गवर्नमेंट पे बैठ के काम नहीं होने वाला है, अपने को उनके तरफ से बाकी लोगों से भी अपने को मदद लेना जरूरी है। एक गवर्नमेंट एक सर्वर बंद करेगा, एक एग्जाम्पल ले लो टोरेंट्स। टोरेंट्स गवर्नमेंट ने कब के बंद कर चुके हैं, लेकिन एक सर्वर बंद कर दिया तो दूसरे सर्वर पे जाके बैठ जाते हैं। बच्चों को पिक्चर देखना बड़ा अच्छा लगता है और वो फ्री में देखना होता है उनको, तो टोरेंट डाउनलोड कर लेते हैं। टोरेंट एक पीयर टू पीयर नेटवर्क है और उससे अपना का बहुत हार्म हो सकता है, सबको पता है, लेकिन करते जरूर है। सिगरेट के पैकेट पे लिखा होता है गवर्नमेंट ने कि सिगरेट पीना हानिकारक है, तब भी वो करते ही है। ऐसी बात है कि अगर आप टिकटॉक बंद कर दोगे, दूसरा कुछ नाम से वही वीडियोस 30 सेकंड का 50 सेकंड का आ जाएगा। अभी अपन टीवी भी अगर चाइना बंद करना चाहते हैं, मोबाइल फोन इतने हर जगह पे अपने को उनके पार्ट्स स्पेयर पार्ट्स लगने वाले हैं, तो एक चीज बंद करके नहीं होने वाला है, 35-40 ऐप बंद करके कुछ होने वाला नहीं है। अपने को सक्षम बनाना है कि, और यार इसका अल्टरनेट देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ, जो कि उतना ही सक्षम हो जितना ये है। वेरी ट्रू, बराबर है। हमारे पास में सर अभी समय की कमी है, हम अपने अंतिम पड़ाव की तरफ जा रहे हैं, तो मैं चलते चलते सभी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हम जो घातक साइबर घातक के जो ऋषिका जी ने ज्यादा बोला ही थोड़ा, उनका भी दो मिनट का मौका दे दीजिए। ऋषिका से ये सवाल की शुरुआत में ऋषिका से करूंगा। ऋषिका की अब ये जो है, तो आप जैसे हम लोगों ने बोल दिया टिकटॉक बंद होना चाहिए, ये सब होना चाहिए, सारी चीजें बंद हो तो यंग जनरेशन करेगा क्या? वो बोले कि काम को बुलाया काहे को, आपको सभी बंद करना था तो मुझे क्यों बुला लिया? अभी अभी यूके सर ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया, सरकार में दखलअंदाजी करेगा साहब, सरकार में दखलअंदाजी करेगा, सब रोक दिया तो यूथ खड़ा हो जाएगा। जी मैंने ऋषिका से जानना चाहूँ कि ये भैया ये सब जैसे यूनिवर्सिटी का पेपर हैक करना, ये सब करने में यंग जनरेशन को मजा आता है, तो इसको पॉजिटिवनेस की तरफ कैसे लेके जाए, कैसे आप टिकटॉक के ऑप्शंस लेके आए? जी तो अगर मैं कुछ ऐड करना चाहूँ तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि देखिए, इंटरनेट तो सबके पास होता है और एप्स भी सबके पास ही होते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग करना है या उसका कुछ अच्छा उपयोग करना है, ये इवेंचुअली हमारे हाथ में होता है। एंड अगर मेरा मानना है तो वॉर फॉर अ वॉर इज नेवर अ सॉल्यूशन। तो अगर हम ऐसे सोचे कि अगर अरे चाइना ने हमारे ऊपर अटैक कर दिया तो ये हमारी बारी है कि हम भी उनको दिखा दें हम में कितना दम है, तो ये कभी सॉल्यूशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उससे वॉर ज्यादा बढ़ने के चांसेस है। अगर हम जागरूकता की बात करें तो अगर हम सरकार पे ही रिलाई करके बैठे, डिपेंड होके बैठे 100%, तो उससे वो कितना भी हमें गाइडलाइंस दे दे, कितना भी हमको पॉलिसीज दे दे, वो तभी 100% बेनिफिशियल हो सकती है कि जब हम उनका पालन करें अच्छे से। क्योंकि हमको पता है कि हजारों मैसेजेस व्हाट्सएप पे आते हैं, हजारों लिंक्स आते हैं, हम हमेशा 80% ऑफ द लोग उसको फॉरवर्ड कर देते हैं बिना पढ़े, बिना उसकी जांच पड़ताल करे। तो वो हम पे होता है कि अगर हम जागरूक है और हमारे साथ साथ अगर हम और 10 लोगों को जागरूक कर सकते हैं, तो फिर किसी भी सरकार से किसी भी तरह की गाइडलाइन या पॉलिसी की कुछ जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हमारे तरफ से स्ट्रांग है इससे लड़ने के लिए। क्योंकि देखिए, अगर सरफेस लेवल पे अटैक हो सकता है तो ही वो डीपर सेक्शन पे जा सकता है। अगर हम सरफेस को ही स्ट्रांग कर देते हैं हमारी तरफ से, तो फिर कुछ बात ही नहीं आती कि वो हम डीपर लेवल तक लेके जा सकते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर टिकटॉक, देख बीच में एक दिन टिकटॉक बैन भी हुआ था कुछ 2 साल पहले या 1 साल पहले, लेकिन फिर लोगों ने ऐसा थोड़ी है कि टिकटॉक फिर यूज करना ही बंद कर दिया। जैसे टिकटॉक वापस आ गया, फिर से उसके मिलियन डाउनलोड होने लगे। तो वो हम पे है कि अगर हम खुद से जागरूक है कि नहीं ये चाइनीज ऐप है, हमारा डेटा
इनके तरफ जा रहा है हमारा, क्योंकि हम दावे से कभी नहीं कह सकते कि सामने वाला व्यक्ति जो होता है वो हमारा डेटा अच्छे इंटेंशन से यूज कर रहा है या बुरे इंटेंशन से यूज कर रहा है। तो वो हम पे होता है कि ये चाइनीज ऐप है, यहाँ पे हमारा डेटा कुछ सेफ नहीं लग रहा है, तो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। कितना भी वो हमको एंगेज करके रखता हो, कितना भी वो हमारा ध्यान आकर्षित करके रखता हो, लेकिन कैसा है कि ये कैसा है ऋषि का, ये सबको पता, जैसे सर ने कहा था कि सिगरेट के पैकेट में लिखा होता है कि इट इज डेंजरस टू हेल्थ, हमको सबको पता है कि दारू पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसके बावजूद भी हम पीते हैं। इसी तरह से ये सब चल रहा है, लेकिन कौन सी चीज हमें कितने इंटेंशन पर नुकसान पहुंचा सकती है, इसका एनालिसिस करना बहुत जरूरी होगा, जैसा कि आप बता रही है। प्लीज बोलिए। जी जी, ये यही मैं बोलना चाहती हूँ कि इसका एनालिसिस करना हमको बहुत जरूरी होता है, क्योंकि देखिए हम गाइडलाइंस तो ये हमेशा आती है कि हमारे पासवर्ड स्ट्रांग रखने चाहिए या फिर कुछ भी लिंक आए तो उसको फॉरवर्ड नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी हम पासवर्ड हमारा 12345 ऐसे डिफॉल्ट ही रखते हैं, और हम जब हैकिंग परफॉर्म करते हैं या फिर हम किसी भी वेबसाइट पे जाके अटैक करते हैं विथ लीगल परमिशन, तो ये हमारा फर्स्ट चीज होता है जो डिफॉल्ट होते हैं पासवर्ड उनको ट्राई करने का, और एक या दो टाइम अटेम्प्ट में ही हम लॉग इन हो जाते हैं। तो इतने सिक्योरिटी पॉलिसीज होने के बावजूद भी हम उसको क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, ये जनता से सबसे बड़ा सवाल होगा मेरा, क्योंकि ये देखिए ये हमारे प्राइवेसी के लिए ही ये सब पॉलिसीज आ रही है, सारे गाइडलाइंस आ रहे हैं, लेकिन अगर हम इसको इम्प्लीमेंट ही नहीं कर रहे हैं, अभी हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, जो भी बच्चे होते हैं, उनको इनके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती, तो हमें होती है तो हम उनको क्यों बता नहीं सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर बच्चे सोशल मीडिया पे है तो वो भी साइबर क्राइम का शिकार है, और बड़े बुजुर्ग भी अगर सोशल मीडिया पे तो वो भी साइबर क्राइम का ही शिकार है। साइबर क्राइम कभी उम्र नहीं देखता, कभी वर्ग नहीं देखता, वो जब होता है तो वो सबके लिए ही होता है। तो अगर ये जो पॉलिसीज की हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये हर एक व्यक्ति अपनी तरफ से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा, तो आई थिंक ये साइबर अटैक से हमको कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये फिशिंग लेवल से ही होती है, इसकी कुछ खास शिक्षण नहीं होती है, ये सिर्फ कॉमन सेंस का विषय होता है कि अगर मैं कल आपको बोलूं कि मैं इस बड़े कंपनी की सीईओ बोल रही हूं, मुझे आपका पासवर्ड चाहिए, और किसी ने दे दिया, तो वो उसकी कॉमन सेंस की बेवकूफी की वजह से ही होगा, इसमें किसी भी तरह की शिक्षण की जरूरत नहीं है। तो मेरा सिर्फ यही दावा है इस माध्यम से, इस चैनल से मुझे यही बोलना है कि आप अपनी तरफ से सतर्क रहिए, जागरूक रहिए, और फिर साइबर क्राइम होने का कभी सवाल ही नहीं पैदा होगा। थैंक यू ऋषिका जी। मैं आऊंगा हेरॉल्ड सर की तरफ। सर, चलते चलते आपकी कंक्लूजन टिप्पणी चाहेंगे सर इस विषय पर। ओके, आई थिंक सबसे पहली बात है कि ये जो जो डायरेक्टिव्स इशू किया गया है कि आपको इस ईमेल आईडी से ऐसा एक मेल आएगा, जिस मेल को आप ओपन करोगे लिंक आएगा, तो मैं कहना चाहता हूं कि आज हमारे पास जो ईमेल में बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं, खास करके एक फिल्टर होता है स्पैम फिल्टर। तो आपके जो ईमेल में आप उस स्पैम फिल्टर को एक्टिवेट कीजिएगा, और उसमें लिखिएगा आप कि अगर इस ईमेल आईडी से कोई मेल आता है तो वो मेरे स्पैम में ही जाएगा, मेरे इनबॉक्स में नहीं आएगा। बहुत ही छोटा सा ये एक प्रयोग है, इस छोटे से प्रयोग का जब हम इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा कोई भी मेल नहीं आएगा जो कोविड के हिसाब से या कोविड के रिलेटेड आपके पर्टिकुलर इनबॉक्स में पहुंच सकता है, नंबर वन। नंबर टू, खास करके जो गवर्नमेंट ने जो डायरेक्टिव इशू किए हैं कि चाइना के देश से ऐसा कोई कोरोना वायरस से ऐसा कोई मेल आएगा, तो आपके जो ईमेल के स्पैम फिल्टर में आप एक प्रोसेस एक्टिवेट कर सकते हो, जहां पे आप कोई वर्ड्स कोरोना वायरस वायरस या ऐसे कुछ शब्द आप लिख सकते हो, तो अगर आपके अकाउंट में या आपके इनबॉक्स में ऐसा कोई मेल आता है जहां से ये शब्द से कुछ मैच करता है, तो वो ईमेल आपके इनबॉक्स में आएगा ही नहीं, वो स्पैम फोल्डर में जाएगा। ठीक है, उसमें से कुछ ऐसे भी पर्टिकुलर मेल हो सकते हैं जो कोरोना वायरस के रिलेटेड कोई अच्छे मेल भी हो सकते हैं, लेकिन वो जो मात्रा है वो अब कम होगी। हमारी अब की जो मात्रा है और वो है कि हमें सो कॉल्ड चाइना के साइबर अटैक से हमें बचना है। तो ये अगर हम प्रोसीजर फॉलो करते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि भारत में ऐसा कोई बड़ा माहौल होगा कि चाइना हमें अटैक करेगा, चाइना हमारा डेटा चोरी करके जाएगा, चाइनी हमारी पूरी इंफॉर्मेशन अर्थव्यवस्था को खराब कर देगा। मुझे नहीं लगता है, ये एक हाइप है जो चाइना ने क्रिएट की है। और जो आप कहते हो, मैं कुछ चंदू जी से मैं सहमत हूं कि जो डायरेक्टिव जो इश्यू होते हैं गवर्नमेंट से, तो ये जो इश्यू जो होते हैं डायरेक्टिव,
इसको खास करके गवर्नमेंट ने देखना है कि ये इंप्लीमेंट हो जाए। ऐसे नहीं कि गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स इश्यू नहीं करती है, लेकिन बॉटम लेवल पे वापस मैं कहना चाहता हूं इंप्लीमेंटेशन की खामियां हैं, और ये इंप्लीमेंटेशन खामिया के लिए आई थिंक हमारी देश में जल्द से जल्द हर एक स्टेट में एटलीस्ट 2 साइबर यूनिवर्सिटी आने चाहिए। एटलीस्ट हमारे देश में जो 7वीं कक्षा के बाद 8वीं कक्षा के बाद हमारे पास प्रैक्टिकल ओरिएंटेड साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग होनी चाहिए। हमारे देश में आज बीई बीटेक इन साइबर सिक्योरिटी ऐसे प्रोग्राम की मात्रा और बढ़ने चाहिए। हमारे पास खास करके जो लीगल के इश्यू जो प्रोग्राम्स होते हैं, जैसे हम कहते हैं LLB, व्हाई नॉट ओनली इन LLB इन साइबर लॉ, क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र है LLL ओनली इन साइबर लॉ, ऐसी मात्रा जब बढ़ाएंगे तो ये जो चाइना हमें जो चुनौती दे रही है आई डोंट थिंक दैट वी शुड बी वरीड। जस्ट आप एक आपके जो ईमेल के स्पैम फिल्टर में एक ऑप्शन एक्टिवेट कीजिएगा कि अगर इस ईमेल आईडी से आपको मेल आ रहा है तो वो स्पैम बॉक्स में जाएगा, आपके इनबॉक्स में नहीं जाएगा, तो आप ऐसे पर्टिकुलर घातक अटैक से आप सुरक्षित रह पाओगे। धन्यवाद सर, मैं उके सर के तरफ आऊंगा। सर अगर कुछ ऐड कर सकती हूँ तो मैं ये बोलना चाहूंगी जरूर कि जैसे हमारे उन्होंने यूनिवर्सिटीज या एजुकेशन सेक्टर की बात की है तो वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमेशा ऐसे होता है कि जब भी हमें साइबर सिक्योरिटी पढ़ाया जाता है तो हमको हिस्ट्री बताते हैं कि साइबर सिक्योरिटी में इस साल में ये वाला अटैक हुआ था करके, लेकिन जब एक्चुअली अभी एक अटैक हो रहा है तो इंस्टीट्यूशन की तरफ से कुछ गाइडलाइंस बच्चों को नहीं आती है जो आनी चाहिए। तो जैसे अगर आप हिस्ट्री पढ़ाते हो कि ये अटैक हो रहा है तो अटैक प्रिवेंट करने के लिए भी कुछ बताना जरूरी है, जो मैं ये ऐड करना चाहती हूँ। ये आपके सवाल का जवाब उके सर भी देंगे क्योंकि वो खुद प्रिंसिपल है और एक पीढ़ी का निर्माण कर रहे हैं। और मेरा सर आपको कंक्लूजन टिप्पणी में आपको ये भी मैं पूछना चाहूंगा कि क्या जैसे ये टिकटॉक जैसे चाइनीज ऐप जो है, क्या इसका रिप्लेसमेंट भारत में मौजूद जो आने वाली पीढ़ी है वो पीढ़ी कर सकती है? उके सर बिल्कुल, ऐसे इंडिया में भी बहुत सारे ऐप्स है कि जो शॉर्ट वीडियोज दिखाती है और कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ चाइना में ही कर सकते हैं। सेकेंडली जो अभी यूनिवर्सिटी की बात हो रही है, बिल्कुल जरूरत है कि अपने को साइबर यूनिवर्सिटीज साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड यूनिवर्सिटीज अहमदाबाद में है, गांधीनगर में उधर चल रहा है, महाराष्ट्र में भी होना चाहिए, बिल्कुल हो जाएगा, पुणे में भी उन्होंने इतना जगह लेके रखी है। स्कूल लेवल से ये चीजें स्कूल लेवल से चालू होना चाहिए, क्योंकि बच्चों के हाथ में मोबाइल है तो मोबाइल में एंटीवायरस है क्या, आप कौन से ऐप वहां पे डाउनलोड कर रहे हो, अपडेट हो रहे हैं क्या, जो सिक्योर्ड ऐप है वही है क्या, जो काम पे नहीं है ऐप, बहुत सारे ऐप्स सिमिलर होते हैं बैंक्स के तरफ से, लेकिन दिखते समय सिमिलर दिखते हैं लेकिन काम कुछ और करवा लेते हैं वो अपना। इवन बैंक्स के वेबसाइट्स एग्जैक्टली वैसे ही वेबसाइट्स तैयार करते हैं और वो अपना यूजर नेम पासवर्ड लेके जाते हैं। चंदू साहब से मैं बोलना चाहता हूँ, 90% लोग एक ही पासवर्ड हर जगह पे यूज करते हैं, बहुत गलत बात है। ऋषिका साहब और हरलाट साहब मुझे सहमत करेंगे कि 90% लोग एक ही पासवर्ड अपने बच्ची का नाम @ उसका ईयर ऑफ बर्थ, और काफी सारे लोग अपने ATM कार्ड के पीछे पिन नंबर लिख के रखते हैं। जी विल एग्री विथ मी, आई थिंक हरल साहब भी मुझे एग्री करेंगे। ये छोटी छोटी चीजें, अगर मेरा पर्स खो गया तो शायद मैं 10-12 पासवर्ड उसको ऑलरेडी बता चुका होगा। जी अगर मैं फेसबुक या ट्विटर इस पे अगर मेरी पूरी जानकारी डाल देता हूँ, ईयर ऑफ बर्थ भी डाल देता हूँ, इवन डेट ऑफ बर्थ डाल देता हूँ, मैं कौन से गांव का रहने वाला वो भी डाल देता हूँ, पासवर्ड हैक करने के लिए रसिका को 1 मिनट भी नहीं लगेगा, इतने जल्दी वो पासवर्ड है। और पासवर्ड अगर हैक हो गया, आई थिंक योर एंटायर जर्नी एंड्स देयर, यू आर गन, ही हैज ऑलरेडी डैमेज्ड योर बैंक अकाउंट। तो बहुत सारी चीजें है जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को। अभी हम पुणे यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर IT इलेक्ट्रॉनिक्स को तो हमने ये कंपलसरी सब्जेक्ट कर दिया, बाकी जो मैकेनिकल है, प्रोडक्शन है, सिविल है, जिनको हम बहुत सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते उनको ऑडिट कोड करके डाल दिया है, तो वो बच्चा वो पढ़ता है। अगर सिलेबस में है तो बच्चों को पढ़ना जरूरी होता है, तो हमने करिकुलम में ये तो डाल दिया है, लेकिन ये स्कूल लेवल से चालू होना चाहिए कि स्निपिंग क्या होता है, IP क्या होता है, इंटरनेट पे कैसे बिहेव करते हैं, फेसबुक पे क्या डालना है क्या नहीं डालना है, व्हाट्सएप, बहुत सारे बच्चे गाने
सुनते सुनते अपना मोबाइल वाईफाई लगाते हुए बाथरूम लेके जाते हैं जी। आपको पता है वो कैमरा चल रहा है, बैकग्राउंड में आपका कैमरा चल रहा है, आप बाथरूम में क्या करते हो सबको पता है। तो आपको जिस वक्त आपको वाईफाई और डाटा नहीं चाहिए तब आपका वाईफाई बंद होना चाहिए, मोबाइल डाटा बंद होना चाहिए। ये सादी सिंपल चीज है लेकिन काफी लोग 24 आवर्स उनका वाईफाई या फिर मोबाइल डाटा बंद नहीं होता है। आपको मेल चेक करना है, 2 मिनट वाईफाई चालू करो या फिर मोबाइल डाटा चालू करो, खत्म कर दो। लेकिन उनको जीपीएस भी चालू चाहिए, जहां होटल में से बाहर निकले तो तुरंत डाल देंगे यहाँ पे कि मैं यहाँ पे हूँ, वहां पे हूँ, आई एम ट्रेवलिंग हियर एंड ट्रेवलिंग देयर। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो अपने को ऐसे चीजों में प्रे करती है और तुरंत अपन उसका विक्टिम हो जाते हैं। तो शायद हमें बुलाने का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कम समय में बहुत सारी चर्चा हुई है। ओवर टू यू। नहीं, बहुत बहुत थैंक यू ओके जी। मैं आऊंगा चंदू सर के पास। चंदू जी सुन रहे हैं, मैं सर आपको ये बोलना चाहूंगा, म्यूट है शायद आप, कि हमारे जो जितने आज हमारे साथ में 3-3 गुरुजन थे सर, तो ये 3 गुरुजनों से हमें क्या शिक्षा प्राप्त हुई? चंदू जी ने शिक्षा सबसे, सबने अवेयरनेस सबसे बड़ी एक चीज जिसमें लापरवाही वाला एक पार्ट है और दूसरा पार्ट जो अपने पर डायरेक्ट अटैक कर देता है, जो हमारी जानकारी नहीं देता। लापरवाही के पार्ट में तो सर पासवर्ड छोड़ दो, आप घर का ताला खुला छोड़ दो तो आपके घर में चोरी हो जाएगी। उसके लिए हम गवर्नमेंट को ब्लेम नहीं दे सकते, उसके लिए हमको खुद को अवेयर होना है कि हमें, जैसे पहले हेराल जी ने बताया था कि जो व्यक्ति यानी इसमें पूरा समझिए उसको ट्रेनिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अब जैसे बुजुर्ग है, उनको नहीं पता है तो उनको बैंक एटीएम कार्ड भी देती, सारी देती। अब बुजुर्ग व्यक्ति को हर चीज लिखने की आदत होती है, वो कहीं ना कहीं कोई चीज लिख के रखता भूलने जाए करके, तो हो सकता है वो उसका एटीएम पासवर्ड उसके पीछे लिख ले। तो ये सारी चीजें कि पासवर्ड सबको याद रहना, क्योंकि जिसको रोज का, मैं बताऊं कि मुझे एटीएम कार्ड में यूज नहीं करता, मेरा एटीएम कार्ड का पासवर्ड मुझे याद नहीं रहता, मुझे हर बार उसको फॉरगेट पासवर्ड करके नया पासवर्ड बनाना पड़ता है, तो मैं लिख के तो रखूंगा नहीं, तो हर बार नया बनते जाए। ऐसे कई लोग हो सकते हैं, तो इनके लिए भाई ये या तो इनको इस चीज में आप आने ना दे दिया जाए, जहां भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ऐसे काम पड़ती है, इन लोगों को इसमें इन्वॉल्व नहीं किया। सरकार ने क्या किया कि कैशलेस सारी सिस्टम कर दी, लेकिन ये लोग ऐसा भी प्रॉब्लम हो सकते हैं जो यहाँ पे अपन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इसके तरफ ध्यान नहीं दिया, तो अब वो चीज ऐसी हो गई, इसको वापस रिवर्स नहीं हो सकते। अब इसमें हम कैसा यहां से समझाए, जैसे भाई इन्होंने बताया कि सिगरेट के इस पे लिखा रहता, वैधानिक चेतावनी लिखी रहती, मैं नहीं पीता, बहुत लोग नहीं पीते, जिनको समझता नहीं पीता, और जिसको ऑलरेडी वो पी के मरने की तैयारी, उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते। सरकार ने अपनी सूचना दे दी और इतनी भी हानिकारक नहीं, कई लोग सिगरेट पी के भी जीते, जो सिगरेट नहीं पीता उसको भी टीबी कैंसर हुआ है, जो पीता उसको नहीं हुआ। यानी बहुत साथ रहता था चंदू जी, उनके साथ रहता था इसलिए हो गया। नहीं, जो 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 भी जो जो भी जो भी हो, यानी बहुत बड़ा इशू, लेकिन आप सिगरेट पीने वाले से दूर रहिए, ये बताना चाह रहे हैं। नहीं 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 नहीं, देखो जो कुछ जो है एक सिगरेट के दूसरे भी हमारा पोल्यूशन इतना हुआ, हमको हार्मफुल कर सकता है कि हम बाहर नहीं निकले, गाड़ियां चलाना बंद करते, ये लॉजिक बहुत सारे। बात कैसा है कि हम हमारी इच्छा शक्ति कहां पे निर्माण करते हैं, इच्छा शक्ति का कहां पे उपयोग करते हैं। जैसे बताया कि नियम सारे हैं, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको, यदि कोई अभी आप, मुझे लगता है कि मेरे पास कम से कम नहीं आते, मैंने 10-12 फोन आते कि हमारे साथ में ऐसा फ्रॉड हो रहा है, ऐसा मिला है, ऐसा फोन आया, हम जाके पुलिस में, तो पुलिस पूछती है आपके साथ में फ्रॉड हुआ क्या? नहीं ना, होगा जब आना। ये पुलिस के जवाब है यहाँ पर, उस चीज को अवेयर नहीं करेंगे कि फोन कहां से आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्या आ रहा है, कैसे, ताकि दूसरे लोग बच सके। 100 लोगों को फोन करते कि हमारे पास में सोना पड़ा है, आप आ जाओ लेके जाओ, आपको थोड़ा सा ऐसी दे, 100 में से एक आधा फंस जाता। हमारे यहाँ का चिखलदारा का व्यक्ति हरियाणा में जाके ऐसे सोने के लालच में गया था, वहां उसका मर्डर हो गया। ऐसे कई चीजें, आपको कार भेज रहे हैं बस उसके लिए पैसा मांगते, ये फ्रॉड अलग चीज है। हम साइबर की बात कर रहे हैं कि हमारे बिना जानकारी के हमारे कंप्यूटर में घुस के हमारे कुछ जानकारी ले जाए। कोई भी ऐप हम डाउनलोड कर, चाहे जो ऐप कर लो, कॉन्टेक्ट अलाउ, वीडियो अलाउ, फोटो अलाउ, लोकेशन अलाउ, आप अलाउ मत करो, ऐप डाउनलोड नहीं होता। तो ये सारी, इसके तो नियम सरकार बना सकती है कि हमारे यहाँ सख्ती न डाले, आपको ऐप लॉन्च करना है तो ये तो कर सकती है, कोई के कॉन्टेक्ट एक्सेस नहीं करे, कोई के फोटो एक्सेस नहीं करे, इसके लिए तो नियमावली बना सकती है, इसके लिए तो उसपे जो हमारे ऐप लॉन्च कर रहा है उसको हम लोग बोल सकते। इन सारी चीजों को सरकार हमारे यहाँ कोई भी आके इजिली कोई भी ऐप लॉन्च कर देता। मुझे नहीं लगता कि सरकार की परमिशन किसी को ऐप लॉन्च करने के लिए लगती है, होनी चाहिए। जब साइबर सिक्योरिटी और साइबर के बारे में इतनी सारी बात कर रहे हैं, हो दो ना 50 ऐप बंद, उन दो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। 20 साल पहले कोई ऐप नहीं था, क्या होता, दुनिया नहीं चलती थी। अब आदत हो गई है तो धीरे धीरे वो आदत भी जाएगी ना। इसके पहले
व्हाट्सएप के पहले भी दूसरा आता था, उबंटू कौन सा एक था जो कॉलेज वाले थे, नहीं हमने कभी यूज नहीं किया व्हाट्सएप के बाद में, वो भी जरूरत लगी तो हमको जरूरत के लिए यूज करते, स्टॉक के लिए यूज नहीं करते, कई लोग सिर्फ टाइम पास करने के लिए यूज करते। तो इसके भी कैटेगरी होने चाहिए, आप इसको पेएबल कर दीजिए, सरकार को बोलना खूब पैसा कमाओ, व्हाट्सएप से कमाओ, फेसबुक से कमाओ, पेएबल कर दो, फ्री जितने भी ऐप है बंद कीजिए, सब पैसा देते टाइम मैं मुझे व्हाट्सएप चलाना है नहीं चलाना मैं सोचूंगा, आज फ्री में मिल रहा है, उनको ऐड मिल रही है, उनका ब्रांड चल रहा है। तो ये सारी चीजों पे विचार सरकार ने करना चाहिए, जनता सरकार के साथ में आएगी, लेकिन शुरुआत सरकार ने करनी चाहिए। सरकार यदि बुरा नहीं बनना चाहती किसी वीडियो शो के सामने तो जनता से अपेक्षा ना करे। ठीक है आलोक जी, सबसे पहले तो आपका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने परिचर्चा में बहुत बेहतरीन गुरुजन हमको आज दिए, और चलते चलते आपकी बात डॉक्टर आलोक जी। सबसे पहले जो बात हुई यूनिवर्सिटी की, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जी, पूना में जल्द से जल्द साइबर सिक्योरिटी की यूनिवर्सिटी आ रही है, और वो हमारे एक मित्र हैं, वही खोल रहे हैं, और बहुत कुछ परमिशंस लेवल तक की चीजें आगे बढ़ गई है। वहाँ पर सर एडमिशन लेने के लिए एज की तो ये पाबंदी नहीं है ना। मैं आप लोगों को बुला लिया जाएगा वहाँ पे और सिखा दिया जाएगा, सर्टिफिकेट डिग्री नहीं मिलेगी लेकिन आपको ज्ञान मिल जाएगा वहाँ। धन्यवाद। दूसरी चीज जो हैरोल्ड सर ने बताया कि भाई इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, तो फैक्ट है कि इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है। सरकार की दिशा में जो चंदू जी ने बताया, तो सरकार की दिशा में क्या कर सकते, सरकार की दिशा में ये हुआ जा सकता है कि ये जो जितने ऐप आ रहे हैं ना, इसका कंट्रोलिंग कहीं ना कहीं आ जाए, एक डिपार्टमेंट बन जाए इसमें कि सर आपने ऐप बना, आपको इंडिया में अगर ये लाना है तो आपको ये सिस्टम से जाना है। जब आप बोलते हैं ना अलाउ करो डिसअलाउ करो, ये सिस्टम जो है गवर्नमेंट के थ्रू होना चाहिए कि मुझे टिकटॉक लॉन्च करना है तो टिकटॉक मेरे को पहले गवर्नमेंट मशीनरी के पास जाना होगा, वहां से अप्रूवल लेना होगा, उसके बाद में आना होगा। ये किया जा सकता है, फिर आप जनता का, आप जनता को आप कितना पढ़ाओगे ना, जनता ही पढ़ती रहेगी क्या, सरकार कब पढ़ेगी, सरकार कब सीखेगी चीजों को, तो सरकार को आलोक जी बहुत सिंपल सिस्टम है, जैसे मेरे पास ब्रॉडबैंड का काम है, मैंने कोई उस पर साइट डाल दी, ये मेरे वेब से मेरे ब्रॉडबैंड से एक्सेस नहीं होगी तो नहीं होगी साहब, वो डाउनलोड नहीं कर पाएगा वो एक करना, जितने भी ये ऑपरेटर है ब्रॉडबैंड ऑपरेटर ये कर सकते हैं, इसमें बहुत ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। अभी आज सबने इंटरनेट सर्विस देने वाले ने एसपी वालों ने तय कर लिया कि टिकटॉक डाउनलोड नहीं होगा तो साफ नहीं होगा, तो ये हमको करना होगा, और इसमें गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति बहुत मायने रखती है। हेरोल्ड जी ने जो दूसरा मुद्दा बताया कि बैंक में हम लोगों को, बैंक में हम कैसे कर सकते हैं, बैंक में हमको जैसे हेल्प डेस्क है वैसा एक साइबर वाला एक हमको हेल्प डेस्क जैसी कोई चीज बनाना होगी, जहां पे कि आपको कस्टमर को ये सब चीजों का गाइडलाइन देना होगा। टेस्ट वगैरह थोड़ा मुझे डिफिकल्ट लगता है कि भाई टेस्ट लेना बोले तो कस्टमर जाता है, कस्टमर इज गॉड, मैं जा रहा हूँ, मेरा यहाँ पे कैसे ईगो हर्ट हो जाता, मेरी परीक्षा लोगे आप, है ना, आप क्या बात कर रहे हो, आप परीक्षा नहीं ले सकते, मेरी लाइसेंस तो मुझे मेरी मजबूरी है लेकिन उसके अच्छे के लिए है, तो टेस्ट नहीं, उसको कोई दूसरा नाम दे के हेल्प डेस्क के थ्रू उसको एक सर्विस प्रोवाइडर, उसको कुछ अच्छी सर्विस हम दे रहे हैं, ऐसा करके कुछ किया जा सकता है। आलोक जी हो सकता है ना कोई चीज की आपको सर्विस दे रही है, यदि आप उसके लायक नहीं हो तो आपको क्यों दे वो चीज, गाड़ी भी एक प्रकार की सर्विस है चलाना लाइसेंस के लिए, सर, मैं, नहीं, बिल्कुल मैं बिल्कुल उनकी बात को बिल्कुल मानता हूँ, ट्रेनिंग होनी चाहिए, मैं उसमें नहीं होना चाहिए वो ठीक है, क्या होता है जब आप बैंकर से बात करो ना तो उसको टारगेट है, उसको कस्टमर का टारगेट है, उसको क्या है कि रोज 10 कस्टमर बनाना है, तो जिस प्रकार से फॉर्म भरे जाते हैं, जैसे मोबाइल के लिए आप देख लो कि जिस प्रकार वो वोडाफोन वाला जो फॉर्म भरता है, आलोक जी कस्टमर के साथ में उस व्यक्ति को भी जरूरत है बैंक में अकाउंट खोलने, इस बैंक के पास नहीं जाएगा, दूसरे बैंक नहीं है ना सर, किसी बैंक के पास जाएगा। मुझे लगता है चंदू जी आलोक जी के एक सेपरेट वर्टिकल जो वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पर देते हैं, तो वैल्यू एडेड सर्विसेज के नाम पर जैसा हेरोल्ड जी ने कहा इस सेक्शन को उसमें जनता के बिहाफ से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और एक्सपर्ट्स बुला के ऋषिका जैसे को भी बुलाया हमने इसीलिए है कि भाई आप बताओ क्या क्या हैक करने वाली हो, क्या क्या नहीं करने वाली हो, कैसे करने वाली हो, वो भी हमने पूछ लिया है। नीलेश ओके जी को बुला के हमने कर लिया कि आप नई जनरेशन के लिए क्या कर रहे हैं, कोर्सेज में क्या ऐड कर रहे हो, और एक बहुत अच्छी चीज इसमें से जो निकल के आई है कि बच्चा 5th, 6th, 7th से जो मोबाइल यूज करना है तो 7th से ही, आप बचपन से ही अगर उसको ये सब चीजों की आदत दे दे, तो ये जो एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है कि उसमें अगर आप इम्प्लीमेंट करते हो तो वो बहुत ज्यादा, जब बच्चा जैसा जैसा बड़ा होता जाएगा उसको मालूम रहेगा कि ये सेफ्टी है, ये हम लोगों को ये प्रिकॉशंस लेना, जिस हिसाब से। तो मैं सभी पैनल का और सब लोगों का बहुत बहुत
धन्यवाद करता हूं और मुझे लगता है कि जनता ने इसको बहुत अच्छे ढंग से लिया है, ये जो हमारा प्रोग्राम है, और बहुत अच्छे ढंग से जनता समझ पाई है। रत्नाकर जी, धन्यवाद आलोक जी। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगा कि हम कई बार एक जगह पे जमा होते कोई एक शो देखने के लिए, और जब वो शो खत्म हो जाता है तो हमारे मुंह मोड़ के हम चले जाते हैं। लेकिन आज जिस प्लेटफॉर्म पर हम बात करें, आज का जो चर्चा का विषय है वो हम सबके व्यक्तिगत जीवन से जुड़ा हुआ, हमारी सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अगर हमारी एक छोटी सी चूक हमें कहीं ना कहीं हमारे फाइनेंशियल लॉसेस के लिए हमारे पर्सनल डाटा को किसी और दिशा में लेके जा सकते हैं, जिसके हमारे पर्सनल जीवनी पर इसका विपरीत असर भी हो सकता है। चाहे चाइना करे या हमारे घर के अंदर के भेदी करे, नुकसान हमारा ही होना है। एक पीढ़ी का साथ लेकर हमने चलने की कोशिश की, जैसा कि हम सीनियर सिटीजन की बात कर रहे थे, ऋषिका जैसे जो है व्यक्तिगत है, जो साइबर एक्सपर्ट है, वो इन सीनियर सिटीजन के साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं। हेरोल्ड सर ने जो बताया कि हम बैंक में एक वर्टिकल होना चाहिए, उसके साथ में उके सर ने बताया कि हम कॉलेजेस के माध्यम से एक नई पीढ़ी का ऐसा निर्माण करेंगे कि जो चाइनीज ऐप के रिप्लेसमेंट के लिए भी काम करेंगे। तो ये इस तरह से हम भारत देश को, हमारे देश को, हमारी जनता को एक अच्छे भविष्य की ओर अग्रसर कर सकते हैं। इस वक्त लेकिन ये हमारी जरूरत है कि हम ऐसे हाइप न्यूज से न घबराते हुए हमारी सुरक्षा के लिए, हमारे साइबर अटैक की सुरक्षा के लिए, जब हमारे दरवाजे पर ऐसे खतरे की दस्तक हो तो उस दस्तक की आवाज सुनकर ही अलर्ट हो जाए, और दरवाजा कितना खोलना है या खोलना ही नहीं है, इस पर हम जरूर काम करें। मैं सभी पैनलिस्ट का धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि बहुत ही खूबसूरत उन्होंने यहाँ पर जानकारी दी, जो सबके लिए, पूरे देश के लिए, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सबके लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसी और परिचर्चा के साथ में हम इन विषय और सिटी न्यूज के दर्शकों के सामने हाजिर होंगे। सभी पार्टिसिपेंट का धन्यवाद।